हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और इस टाइम पे मैं बनाने जा रही हूँ, क्या बता नहीं सकती मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ चावल। थोड़ी देर में धूप में बैठी थी, धूप में बैठे बैठे मेरा सर में दर्द होने लगी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अंदर चली जाती, और अंदर जाके मैं क्या काम कर रही थी चलिए मैं आपको बता। तो अंदर देख सकते मेरा बिस्तर ऐसा पड़ा हुआ है, और अभी इस टाइम पे मैं बना रही थी चावल। और इसमें है चिकन रोटी, इसमें है आलू की भुजिया। घर में बैठती है तो ठंड सी लगने लगती है, बाहर जाती है तो गर्मी लगने लगती है, और फिर आलस भी बहुत जोर से आने लगती है, बहुत ज्यादा ही आलस आती है। आज मैं सुबह 7 बजे करेक्ट 7 बजे मेरी नींद पूरी हो गई थी, और जैसे ही मैं उठी, उठ के मैं फटाफट काम करने लग गई। काम करते करते रोटी बनाते बनाते फिर भी बाबू लेट हो गए, तो बाबू आज लेट गए बहुत ज़्यादा, 8:30 बजे बाबू गए हैं। कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता, किसके पास जाऊँ। जाने को तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन बाबू को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उनको फिर खाना बना के कौन देगा, और फिर अपने से खाना बना के खा भी नहीं पाते। फ्रेंड, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ ना, फिर बाबू खाना नहीं बनाते हैं, बस वही दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी। चावल जो है मैंने कुकर पे चढ़ा दी, और चलिए देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा। ओफो, बहुत ही कैरी धूप है। तो कपड़े जो है मैं ऊपर डाल के आई थी, मेरे कपड़े गिर गए, उठा लेती हूँ इसको, गीला है तो मैं चप्पल पहन लेती हूँ। यूँ सब कपड़े गिर गए, देखिए आप। अब चिमटी अगर नहीं लगाऊंगी ना कपड़े पे, तो कपड़े ऐसे गिरेंगे छत पे इस टाइम पे, और कपड़े मेरे सब नीचे गिर रहे हैं। बताओ, चिमटी लगाना ज़रूरी है, चिमटी नहीं लगाऊंगी तो एक भी कपड़े नहीं टिकेंगे। बताओ, अभी तो गंदे भी गंदे नहीं हुए, वैसे सूख के तब गिरे हैं नीचे। नहीं आती तो मुझे शायद पता भी नहीं चलता कि मेरे कपड़े गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, तो कपड़े गिरे हैं नीचे। अरे माँ, मैं जा रही हूँ फिलहाल नीचे, नीचे जाना है क्योंकि खाना बन रहा है। कुकर में सीटी लग जाएगी तो फिर मुझे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मैं आई थी कपड़े देखने के लिए। रोज़ मेरे कपड़े गिर जाते हैं छत पे। इस टाइम पे छत पे अच्छे लगते हैं, गर्मी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और गर्मी में ऊपर वाला रूम है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो फिलहाल मैं अभी नीचे जा रही हूँ। एक कपड़ा देखो यहाँ गिरा है। ऐसे वक्स की लाइट जल रही थी बाजा की, इसकी मैं बंद कर देती हूँ, बंद कर दी। और अभी सीटी लगी नहीं है, बर्तन वर्तन तो सब धुले रखे हैं। ये शीशा है, देखिए मेरा कैसा शीशा है, आज मैं आपको दिखाती मेरा शीशा कैसा है। खास नहीं है, छोटा शीशा है। ये मेरे घर में इतने सारे सामान है बस, बाकी और कुछ नहीं है। फ्रेंड, चलिए चलते हैं। अब इस टाइम पे बाबू आएंगे, बाबू के साथ जो है कि हम मिलेंगे बाबू के साथ, और फिलहाल अभी बाबू आए नहीं हैं, और मैं उनके लिए अभी बना रही हूँ खाना। तो जब खाना बन जाएगा उसके बाद, जब तक आ जाएंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मेरा वॉशरूम है, आप देखिए ये मेरा वॉशरूम है। सीढ़ी पे बैठ जाती हूँ, यहाँ पे ये सीढ़ी है तो यहाँ पे बैठ। क्या बताऊँ फ्रेंड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना कोई बच्चे है ना कोई अपना है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी क्या थी तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा। नए घर में मन लगता था, काम करके दीदी के घर चली जाती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और यहाँ पे क्या है, कितना भी काम किया है, पूरे दिन सुबह सुबह काम कर लेते हैं, शाम को अपना कहीं जा ही नहीं पाते। यहाँ का माहौल भी सही नहीं है, जो हम पार्क वार्क भी चले जाए, ऐसे ही है फ्रेंड। बाबू घर पे रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत, लेकिन रह भी तो नहीं सकते ना, काम भी तो ज़रूरी है ना। वैसे बाबू घर पे रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं दिमाग सोचते हैं कि कहाँ जाए, क्या करे, वीडियो को लेके यार कुछ से कुछ, मतलब मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरा माइंड जो है बिल्कुल फ्री, अच्छा हो जाता माइंड। और वैसे नहीं तो फिर दर्द रहता है, भारीपन रहता है, क्योंकि पूरे दिन गुमसुम रहती 12 घंटा, जब तक सुबह बाबू चले जाते 1 बजे आते हैं, 1 बजे थोड़ी बकर बकर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मुझे हालत हो जाती है। अब कल बाबू घर पे थे तो मैं सोई थी, तो मेरी आंखें देखो अब थोड़ी सी सूजन कम है, और जब बाबू घर पे नहीं रहते तो मेरी आंखें इतनी सूज के पकौड़ी हो जाती है। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, कुकर में पता नहीं कितनी सीटी, मैं जल्दी देख लेती हूँ।
लग गई, बंद कर दी। बन चुका है, फिर मैं उसी जगह पे जाके बैठ जाती हूँ कि यहाँ पे क्या करूँगी, मन भी नहीं लगता है घर में। बाहर बैठती तो थोड़ा अच्छा भी लगता है मेरे को, धूप में आती तो आँख ऐसी हो जाती है, अंधकार अंधकार। तो ये बन रही है मेरी चाय, और आपको मैं बताती हूँ इस टाइम पे मैं चाय क्यों बना रही हूँ। टाइम हो रहा है 12, टाइम पे चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, चाय नहीं पीनी, क्योंकि अभी थोड़े से घर में इशू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं मतलब चाय नहीं पी रही थी। मैं बचत कर रही थी, लेकिन मेरे से बचत हुई ही नहीं, और मेरे सर में कुछ ज़्यादा दर्द होने लगी थी क्योंकि मुझे चाय की आदत है। और मैं हंस इसलिए हंस रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अगर इस जगह पे बाबू होते ना तो बाबू कहते और कर ले बचत, और करेगी, यही चाय तो सुबह पी लेती तो सही नहीं रहती। तो फ्रेंड अब मैं जा रही थी, चाय मेरी बन गई है और मैं जा रही हूँ पीने के लिए। लेकिन जो भी है बाबू, वीडियो एडिट बाबू ही करते, मैं नहीं करती, लेकिन उनको सब पता चल जाता है। और बाद में कहती यही तो तेरे अंदर कमी है, खासियत है कि तू सही रास्ता नहीं चुनती, गलत काम करती। वाली कड़क चाय मेरी बन गई है और मैं फटाफट पी लेती हूँ, उफो पीऊँगी तभी जाकर मुझे आराम मिलेगा। तो आप लोग भी चाय पी लिए होंगे, लेकिन मेरा टाइम ख़राब चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा ही, और ख़राब टाइम की वजह से जो है कि सब कुछ ख़राब ही हो रहा है, बस पूछो मत फ्रेंड। चलिए मैं गरम गरम चाय फूक फूक के पी लेती हूँ। आहा, एक घूट पीते ही समझो दिमाग की बत्ती ही खुल गई। हमारे गांव में ये जो ड्रम है, ये वाली ड्रम बहुत होती है, इसमें गेहूं वेहूँ रखने के लिए होती है, बहुत काम में आती है। तो ये मेरे जो है मेरे दादी के यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा है ऐसे ड्रम। मेरे दादी के घर में थी 3-4 ड्रम थी, एक तो इतना बड़ा था कि 7 बहुत ऊंचा, किसी चीज़ पे सीढ़ी पे खड़े होकर जाके गेहूँ डालनी पड़ती थी उसमें। हमारे गांव में ये जो ड्रम है, ये वाली ड्रम बहुत होती है, इसमें गेहूं वेहूँ रखने के लिए होती है, बहुत काम में आती है। तो ये मेरे जो है मेरे दादी के यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा है ऐसे ड्रम। मेरे दादी के घर में थी 3-4 ड्रम थी, एक तो इतना बड़ा था कि 7 बहुत ऊंचा, किसी चीज़ पे सीढ़ी पे खड़े होकर जाके गेहूँ डालनी पड़ती थी उसमें। फ्रेंड ये ड्रम मिलती भी नहीं है, बहुत कम मिलती है, मिलती है गाँव में मिलती है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली में भी है देख लो, शहर में भी रखने लगे लोग। तो दोस्तों क्या होता हूँ, अभी लंच करने के लिए आया था घर पे और बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है बाहर में, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। मेरी लंच टाइम आया था घर पे, तो अभी लंच उच कर चुका हूँ मैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो कल रात का बनाया हुआ मुर्गा बेचारी ने खिलाया मेरे को, मैं भाई साहब खा के उठ गया। ये बेचारी अभी खा ही रही है, अब थोड़ा सा ले कटोरी में बैठी है, बता तो नहीं खा पा रही है। 4 पीस बेचारी का यहाँ रखा पड़ा है अभी तक, क्या नहीं खाएगी, खा ले जाओ। अरे खा ले उसको, उतना आटा बचा हुआ है तो पेट खोल, कुछ कहाँ पेट है, तो उतने को उतने को पेट है, है? खा लिया खाली खा लियो, अरे तो और खा लियो, हाँ सब खा लियो, एक भी मैं फेंकाया ना भाई साहब, तो फिर देख लियो बुरा हो जाएगा, आराम से बैठ के खा, लेकिन खा लियो ठीक है, हैं? और गुट गुट पानी पिए के तो क्या होगा, पेट वाला तो पानी से भर जाएगा, खाएगी का बेचारी, इतनी को चावल लेके बैठी, इतनी को और उतना को मैं खा गया, पानी से खा रही हूँ, गले से नीचे नहीं उतर, हाँ दे दे बढ़िया है, एक नंबर, पीस के साथ खाती तो नहीं खा लेता, खाने जाने का तब ना तरीका क्या होता है, सब्जी तो बनाया नहीं, उसी मीट के भरोसे रखी है, हमको भी खिलाया वही, चलो देवर की बारात आ रही है, बड़ा है देवर के, देवर ने तो पूछा भी नहीं कि हाँ शादी है तो जाना है कि नहीं जाना है, वो सो तो देवर के शादी में कहाँ जाएगी, घंटा चिंता मत, तेरा बेटा शादी करेंगे तब तू देखेगी बढ़िया से, जिंदा तो रवे करोगे, जाओगे कहाँ, अच्छा ऐसे भी जिंदगी का क्या भरोसा है, हैं आज ना कल तो लोग अड़ने हैं, फिर इसमें रोना देना कहा जाए, जिसका मिला मौका तो करेंगे, मेरा मिला में कहानी खत्म, देख ले देखो तो सब आदमी है, खा ले ऐसे ही तो खाती है, खाने का लूर है, खाने तक का लूर नहीं है, चल खा ले समेट ले ठीक है। तो हम चल रहे हैं, अब मेरा टाइम हो गया है रोटी जाने का, तो मैं निकलूँगा सदर में,
इसलिए मैं, क्योंकि हो सकता है आज फिर नाइट लगा देगा, शनिवार है, कल संडे तक के ड्यूटी ले सकता है, लेकिन संडे को हम जाते नहीं हैं, संडे दिन हम आराम करते हैं घर में, और संडे को दिन मेरा होता है अच्छा खासा ब्लॉग बनाने का दिन समय होता है, तो कोई बात नहीं, हम आपको संडे के दिन ही मिलेंगे, संडे के दिन बढ़िया से ब्लॉग लोग शूट करेंगे, तो आप साथ हम सब बने रहिएगा हमारे साथ में, तो मिलते हैं शाम में, फिर आपसे बात होगी। छोटी छोटी होगी कंपनी में सबको ये बात पता है कि मैं, तो दोस्तों अभी क्या बताऊँ, वही बात है, फिर बोलनी पड़ती है, मेरी खोपड़ी सटक जाती है बहुत तगड़े वाले क्योंकि मैं अभी अभी तो वीडियो शूट कर रहा था, अचानक क्या हो, वीडियो में मतलब क्या है ना, मतलब म्यूट हो गया था ना, म्यूट हो गया ऑटोमेटिक, और उसके वजह से ना जितना मैंने वीडियो शूट किया था सब खत्म हो गया, तो क्या बताऊँ, मूड ख़राब हो जाता है ऐसा वीडियो शूट करने में, क्योंकि मेरी थोड़ा सी याददाश्त में ये चीज़ है ना, जब मैं वीडियो को शूट करता हूँ तो मैं कैमरा को ऑन करना भूल जाता हूँ, क्लिक करना और आपको एक बात बताता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरा तो ड्यूटी नाइट का शिफ्ट ख़त्म हो गया, तो मैं घर आ गया हूँ अब खाना वाना खाने के लिए, अब इसका खुशी इसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि आज बाबू घर में आ चुके हैं, और संडे आज शनिवार है, शनिवार के दिन तो मैं घर में रहता हूँ हमेशा हमेशा टाइम, और संडे रहेगा कल, तो हम कहाँ जाएंगे, कल दिन भर रहूँगा घर में, तो इसका कहना है कि आज चलते हैं चर्च पे चलना है, कल संडे है ना, कल चर्च पे चलना है, तो मैंने कहा जब चलेंगे फुर्सत मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे भाई, तो वही हम तैयार, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि बात अभी चली थी, तो अभी थोड़ा देर पहले इसको मतलब बोले कि कल तो आप भी रहोगे, आज दिन भी रहोगे, तो पूछ जा रही घर घुसते के साथ फूले ना समा रही, जैसे रसगुल्ला है घर में खाए जा तो चलिए खाना वाना खाते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया। मटर का तो कैसे किलो दिया था, 30 रुपये, सस्ती हो रही है, 30 रुपये किलो, अच्छा 30 रुपये किलो, 1 किलो ले ली थी, दे थोड़ा सा दे, 2-4-5 को मटर वटर खाइए, ये आप ही के लिए तो लेके आते हैं, इतना अच्छा ला दिया, 4-5 उसको बैठ कर आराम से खाएं, नहीं है मीठे वाले नहीं है वो, मीठे वाला ना, मीठे वाला लेना चाहिए था, ये जी अब मीठा वाला गए, वो खुद कह रहा है जो बेच रहा ना, कह रहा है ऐसे सस्ते सस्ते मिलेंगे मीठे वाले गए, अब ये मीठा वाला खत्म हो जाएगा, पागल है, मीठा नहीं है वो, सही बात बता रही, मैं खाई थी एक कट्टा भर के लेके आया था, ये मटर खाने का मेरे सबसे ज्यादा मटर का फेवरेट, मैं मजा नहीं आया, अभी अभी मतलब जो हुआ ना, मैं जब आ रहा था तो मैंने सिला से मैंने झूठ बोल दिया कि आज मेरी नाइट लगने वाली है, तो इसका मुकाम उतर गया कि आज नाइट लग रहा है, बउआ घर पे नहीं आएंगे, मैंने झूठ बोला था, मैं वहाँ से आया चुपके, धीरे धीरे गेट खोला, जैसे मुझे देखी और लगड़ना शुरू कर दिया खुशी से, बेड पर आ गए, बहुत दिन भर इंतज़ार करती है ना, मैंने बात दोस्तों दिन भर इंतज़ार करती है मेरा कि आ जाएंगे, फिर जब मैं आता हूँ तो खुशी नहीं समाती है, लो आ गई बेचारी, अंदर लो बाहर, हेलो हेलो गाइस के बच्चे, खाना जल्दी से दे दे, मैं भूख लगी है, आज खाने में कार बनाई, आज खाने में मटर आलू गोभी रोज जो बनाते हैं, तो फ्रेंड बाबू घर पे आ गए, आपने देखा ही होगा, तो मैं अब जा रही बाबू को खाना देने के लिए, नहीं बाबू को नहीं देने, मेरे को खाने बस अरे वहाँ दुकान जाना था, क्या लेना,